हेलो आई एम अंडर द वाटर हियर टू मच रेनिंग प्लीज सर हेल्प हेलो गाइस इट्स मी ट्रिगनाच चिकू वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहां पे आज हम करने वाले हैं अपना आईक्यू टेस्ट विद बिग ब्रेन रिडल्स तो देखो ऐसा है आज मैं कोई रिडल खोल के नहीं बैठा हुआ यहां पे ठीक है क्योंकि क्या होता है कि हर बार जब मैं ऐसी वीडियो बनाता हूं मैं अच्छे-अच्छे गेसेस कर लेता हूं रिप्लाई दे देता हूं अच्छे-अच्छे आंसर फिर उसके बाद कोई ना कोई कमेंट में लिखता है भाई तुम तो पहले से ही वीडियो देख के बैठे हो इसलिए तुम्हें पहले ही पता था आंसर कौन सा तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई इस बार हमारे माइंड और लॉजिक भाई जो है वो बहुत अच्छी अच्छी रिडल्स बनाते हैं उनके चैनल पे हम आए हैं एंड यहाँ पे कोई भी रैंडम सी मैं वीडियो उठाने वाला हूँ ठीक है मैं देख भी नहीं रहा ये मैंने कर ली आंखें बंद ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे जिस पे भी मेरा माउस पॉइंटर आएगा ना वो वाली पिक कर लूंगा मैं ले देख भी नहीं रहा मैं फिर जेन्युइन लगेगा ना भाई भाई जेन्युइन वाली कौन सी वाली आई है टेस्ट योर आईक्यू हिंदी पहली दोनों में कौन बचेगा चलो 7.5 मिलियन व्यूज है ठीक है ठीक है इन बॉक्सेस को ध्यान से देखिए ओके मैं पहले बॉक्स में डोनट को रख रहा हूँ ठीक है अब मैं इन्हें घुमाऊंगा आपको बताना है डोनट कौन से ये तो बहुत इजी है भाई इजीएस्ट थिंग कोने वाला सेंटर वाला थर्ड फर्स्ट वाला कोने वाला फर्स्ट सेंटर वाला फर्स्ट वाला कॉर्नर भाई तू बता बी सेंटर बी आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए बी इफ इट इज नॉट बी देन आई डोंट नो व्हाट इट कुड बी और इसका सही जवाब है बॉक्स बी ऑफ कोर्स अगर आपका जवाब सही है तो जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए गाइस क्या आपका आंसर सही आया है तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो एक मर्चेंट शिप से समंदर की सैर पे निकल पड़ता है ठीक है कुछ दिन बाद एक आइलैंड पे उसे बहुत ही बड़ा और एक सुंदर हाथी दिखता है आइलैंड आइलैंड पे हाथी वो अपनी शिप के साथ उस आइलैंड पे पहुंच जाता है ठीक है पहुंच गया हाथी मर्चेंट सेक्रेटरी के साथ अपने आइलैंड पे उतरता है उतर गया हाथी के पास पहुंचते ही वो मन बना लेता है कि वो हाथी को अपने साथ लेके जाएगा शिप पे हाथी डालेगा मर्चेंट को उस हाथी का वजन जानना था ओके उस आइलैंड पे ज्यादा से ज्यादा 150 केजी वजन वाली मशीन थी तो वो आदमी अपने सेक्रेटरी को बोलता है किसी भी तरह इस हाथी का वजन करके बताओ ब्रो ये मेरे को ऐसा लग रहा है पर्सनल अटैक कर रहा है ये बार बार मुझे हाथी क्यों बोल रहे हो 90 किलो तो मेरा भी है थोड़ा सोचता है और तुरंत हाथी का वजन करके मर्चेंट को बता देता है precise. कैसे सेक्रेटरी ने हाथी का वजन कैसे किया क्या आप बता सकते हैं आपका आंसर कमेंट कीजिए आई थिंक तुक्के से क्योंकि अगर 150 किलो का वजन चेक किया जा सकता 150 यस 150 किलो का वजन चेक किया जा सकता था तो इसका मतलब हाथी का वजन अगर 150 से ज्यादा होगा तो क्या वो उसका वजन चेक नहीं कर पाएगा मैं कुछ सोचता ये दो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है ये दो आदमी जो आइलैंड वाले दिए हुए हैं इनसे कुछ होना चाहिए मैं बताता हूँ देखो कैसे हुआ होगा उसने जो है आदमियों का वजन चेक करा लेट से एक आदमी का वजन आया 80 किलो और एक आदमी का वजन आया 92 किलो जो कि मेरा वजन है ठीक है फिर उसने मेरी तरफ देखा फिर उसने बोला होगा कि मुझे देख के लग रहा है कि हाथी का वजन मुझसे ज्यादा से ज्यादा 2-4 किलो ही ज्यादा होगा फिर अपने आप को ही फैट शेम कर रहा हूँ पहले एक बार जब वजन चेक किया होगा उसने तो 150 से पार चला गया होगा वजन फिर उसने फिर से हाथी को रखा होगा मशीन पे फिर 150 से पार चला गया होगा फिर उसने फिर से हाथी यार तुक्के से ही किया होगा आंसर तुक्का है चलिए इसका आंसर देखते हैं सेक्रेटरी सबसे पहले हाथी को शिप पे रखता है ओ भाई एक सेकंड रिडल में ये बोला गया था कि शिप पे उसको ले जाने से पहले उसने बोला है पहले वजन चेक करना है तो ये तो भाई सिलेबस के बाहर से आ गया ना कि हम शिप पे उसको रख सकते थे चलो अब जो हमें पता चल गया है कि शिप पे रखा जा सकता है जब हाथी को उसने शिप पे रखा होगा तो शिप जो है वो थोड़ी सी नीचे चली गई होगी जितनी शिप नीचे गई होगी वो जितना डिस्टेंस मूव करी होगी फिर उसने बॉयंट फोर्स जो होती है ना वो वाला कॉन्सेप्ट लगाया होगा 11th क्लास की फिजिक्स में होता है बॉयंसी कॉन्सेप्ट ऑफ बॉयंसी जो बॉयंट फोर्स होती है उसकी हेल्प से उसने वेट निकाल लिया हाथी का ऐसे ही हाथी को शिप पे रखता है शिप पानी में थोड़ा अंदर जाता है फिर सेक्रेटरी शिप जितना नीचे जाता है उस जगह पे एक निशान बना देता है और अब हाथी को नीचे उतार देता है फिर वो बाकी जो दो आदमी है उनको शिप पे डालता है फिर पता चल जाता है क्योंकि आदमियों का तो वेट पता ही है ओह यस 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 यू आर राइट इसके बाद सेक्रेटरी 150 केजी वाली मशीन्स को यूज करके स्टोन्स को वे करता है इसके बाद सेक्रेटरी 150 केजी से कम वजन वाले स्टोन्स लेके आता है इन स्टोन्स को वो एक एक करके शिप में रखना शुरू अरे पर हाथी का क्या है भाई मैं देख के बता सकता हूं 300-400 किलो का यार आगे बढ़ो भाई ये वाली पजल बेकार ची जो पजल तुमसे सॉल्व ना हो वो पजल ही बेकार है आगे बढ़ो इस सीन को ध्यान से देखिए एक लड़की की
मुक्त हो गई है। Oh my God. आपको बताना है कि ये एक मर्डर है या एक है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। देखो दिखाना जो वर्ड भाई ने बोला कि क्या वो अपने आप ही हो गई, तो वो वाला वर्ड तो मैं बीप कर दूंगा, लेकिन उसने बोला कि क्या ये एक मर्डर है या फिर लड़की खुद ही। मेरे को लग रहा है कि ये जो है एक मर्डर है, सोची समझी साजिश के तहत किया गया है, क्योंकि लड़की की चप्पलें जो है टेढ़ी मेढ़ी हैं और उसका एक पैर भी बाहर है, तो अगर खुद से ही उसको डूबना होता तो ऐसा पैर बाहर निकाल के थोड़ी ना डूबती। स्मार्ट है, लॉजिक, क्या दिमाग लगाया। माय लॉजिक इज बियॉन्ड लॉजिकल थिंकिंग एंड इट हैज नो लॉजिक। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये एक मर्डर है। मर्डर, मर्डर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दीवार पे हाथों के निशान हैं। हाथों हो सकता है हाथापाई के टाइम बचते टाइम ये निशान पड़े हो। लड़की कपड़े सुखा रही थी जब ये हुआ। स्लीपर्स को देखिए, एक अलग तरफ पड़ी हुई है और दूसरी अलग तरफ, मतलब हाथापाई में स्लीपर्स इधर उधर हो गई होगी। देखो भाई, वो हाथ के निशान वाला लॉजिक तो जस्टिफाइड नहीं है, बिकॉज अगर तुमने टाइटैनिक मूवी देखी है, हाथ का निशान तो उसमें भी आता है। कुटी बिटिया, ये क्या कह रहा है? हाथ का तो हाथ का निशान तो लॉजिकल नहीं है। कपड़े जो टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं, तो वो हो सकता है कि ढंग से लगाए ना हो कपड़े, या फिर हवा तेज चल गई हो, खिड़की खुली हो, तो वो कपड़े जो है थोड़े से उथल उथल उधर हो गए हो। और चप्पल हो सकता है लड़की मेरी तरह क्लमजी हो, नहाने आई हो, तो चप्पल एक इधर फेंकी एक उधर फेंकी। सिंपल इसका एक ही लॉजिक है कि लड़की का पैर बाहर है, तो अगर उसने खुद को ही डुबाना होता तो वो ऐसा पैर बाहर निकाल के स्टाइल मार के थोड़ी ना डूबती। इन चीजों को देख के लगता है कि ये एक मर्डर है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। My logic has more logic in it. इन दो पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। इन पिक्चर्स में 6 डिफरेंसेस हैं। क्या आप इन डिफरेंसेस को ढूंढ सकते हैं? इस काम में तो मैं बहुत अच्छा हूँ डिफरेंस फाइंडिंग। ये देखो, बिल्ली जो है यहाँ पे फ्लिप्ड है, 1, ये डिफरेंस। घड़ी में जो टाइम है फ्लिप्ड है, तो 2। उसके बाद ये पॉट जो है ये टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं, 3। उसके बाद 6 डिफरेंस बताने थे, अभी तो 3 ही हुए हैं। ये जो ब्राउन बॉक्स है डस्टबिन के लेफ्ट साइड है, यहाँ पे ब्राउन बॉक्स डस्टबिन के राइट साइड है, 4। यहाँ पे टेबल पे कुछ नहीं पड़ा है, यहाँ पे टेबल पे पड़ा हुआ है, 5। एक रह गया खिड़की में, तो 1, 2। टेबल लैंप के पास खिड़की में तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है मेरे को। पेंटिंग में भी कुछ डिफरेंस नहीं है। कैक्टस का प्लांट इधर भी। फिर ये किताब, अरे भाई टेबल लैंप देख, टेबल लैंप येलो ऑरेंज ब्लू रेड ब्लू ब्लू। यहाँ भी नहीं है छठा डिफरेंस। अरे भाई ये टेबल लैंप, ये छठा डिफरेंस का है। गए आंसर देखने से पहले difference. आपको जो डिफरेंसेस मिल रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, देखते हैं आप कितने डिफरेंस निकाल पाते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, रीच बढ़ जाएगी वीडियो की मेरी। नहीं एक्चुअली में मेरे को छठे डिफरेंस नहीं दिख रहा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। टेबल लैंप देखना, टेबल लैंप ये दूसरा डिफरेंस है, ये तीसरा डिफरेंस है, चौथा डिफरेंस है, पांचवा डिफरेंस है और छठा डिफरेंस है। छठा डिफरेंस क्या है? ओ गमला भी फ्लिप्ड है। अच्छा इसमें ये वाला पत्ता ऊपर है और ये वाला नीचे है, यहाँ पे उल्टा हो रखा है। अगली पहेली देखते हैं। ओह माय गॉड, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। हाँ अब इन शैडोज को ध्यान से देखिए। हाँ और हमें बताएं इस पिक्चर का असली शैडो कौन सा है, ए बी सी बाई डी। Oh my God. आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। भाई ये तुक्के से मैंने वीडियो खोली है और ये कुछ ज्यादा ही इजी खुल गया वाला यार मेरा। आज तो मैं बहुत ही ब्रिलियंटली इंटेलिजेंट बनने वाला हूँ। सी, और इस पिक्चर का सही शैडो है सी। ऑफ कोर्स। अगली पहली देखो, ये कुछ ज्यादा इजी नहीं हो रही आज। पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताए इसमें कितने तरबूज है। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। इसमें बताना है हमें कितने तरबूज है, तो मेरे दिमाग में अब एक चीज जो आती है, देखो यहाँ पे जो है ये वाला पूरा क्वार्टर 1/4 गायब है, लेकिन वो जो 1/4 गायब है वो 1/4 मिला के ये एक बना है या फिर ये अलग है, ये नहीं पता ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो इसका 1/4 गायब है, इसका 1/4 गायब है, दोनों मिला के एक हाफ बना। क्या ये वो वाला हाफ है? अगर तो हाँ, 1, 2 ही हुए। ये सेम इस केस में ये 1, 1 और ये, तो ये 2 ही हुए, और फिर ये मिला के कम्प्लीट, तो 1, 2, 4, 5। लेकिन अगर सारे अलग अलग है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वैसे 5 है अगर मैं ज्यादा दिमाग लगा रहा हूँ, लेकिन 4, 4। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना तो मैं सबको एक एक काउंट कर लूंगा ना, तो 8 है। वैसे 5 है आंसर इसका मेरे हिसाब से, तो बाकी पता नहीं भाई। इसमें 4 है, 4। ओह माय गॉड। Oh.
चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं पेप्सी का कौन सा लोगो सही है, ए या बी? बी वाला। इससे पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। पेप्सी तो ये लोगो में ब्लू ऊपर होता है, रेड ऊपर होता है। बी मेरे को ज्यादा क्लोज लग रहा है। इसका जवाब है बी। बी अगली पहेली देखते हैं। एक लड़की ईस्ट की तरफ देख रही है और दूसरी लड़की वेस्ट की तरफ देख रही है। वेस्ट। फिर भी दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं, कैसे? क्या आप बता सकते हैं? है? ये वाली लड़की सामने देख रही है, इसका मतलब इस तरफ को देख रही है ना, और ये वाली लड़की अगर वेस्ट को देख रही है मतलब ये इधर देख रही है। अगर मैं सीधा बैठा हूँ, ठीक है, सामने की तरफ देख रहा हूँ, तो मेरे राइट साइड पे ईस्ट है, मेरे लेफ्ट साइड पे वेस्ट है। ये कैमरा फ्लिप्ड है तो तुम्हें मेरे हाथ उल्टे दिख रहे होंगे। वो लड़की जो इस साइड बैठी है वो ईस्ट को देख रही है मतलब वो उधर देख रही है, और ये वाली लड़की मतलब उधर देख रही है। उसने एरो उल्टे बना रखे है ना। वो दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं क्योंकि दोनों हाँ, एक दूसरे को आमने सामने खड़े हैं। ऑब्वियसली ईस्ट की तरफ और दूसरी वेस्ट की तरफ। ये तीनों फिगर को ध्यान से देखिए। पहले फिगर का वैल्यू है 9, दूसरे फिगर का वैल्यू है 1, तो बताइए तीसरे फिगर का वैल्यू क्या होगा? आंसर देखने से पहले 1 2 3 4 4 इंटरसेक्शंस, जितने पॉइंट्स पे लाइनें मीट कर रही है वो है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 1 2 3 4। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले फिगर में 9 इंटरसेक्शन पॉइंट है, दूसरे में 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। मेरे को कसम से लग रहा है आज कमेंट्स आने वाला है, भाई भाई एक इंजीनियर IIIT दिल्ली से ग्रेजुएट किया हुआ लड़का दूसरी कक्षा के क्वेश्चन सॉल्व करता है, शर्म नहीं आ रही है। मुझे क्या पता था इतने इजी आ जाएंगे। कौन सा बंदर इसमें अलग है? कौन ए भाई ये क्या था रे भाई? ये रहा ओ भाई मिल गया, ये मिल गया ब्रो, मैं थर्ड लास्ट। मैंने यहीं से देखना स्टार्ट करा, मेरे को पहले ही ये दिख गया। ब्रो व्हाई इज दिस सो इजी? And how does this video have 7.4 million views? इतने easy? ये तो ऐसा IQ test में मतलब level 1 भी नहीं, 0 है। काली काली माँ, लाल लाल बच्चे, जिधर जाए माँ उधर जाए बच्चे। वाह। चलिए बताइए क्या है ये चीज? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। काली काली माँ, बच्चे, जिधर जाए माँ उधर जाए बच्चे। What is something that is black? बच्चे उसके लाल है, वो जिधर जाए उधर बच्चे। सोचो पहला कोई क्वेश्चन आया जिसमें एक्चुअली में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, और ये मेरे से नहीं होगा, मेरे को लग रहा है ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। काली काली माँ, लाल लाल बच्चे, जिधर जाए माँ उधर जाए बच्चे। रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बट फिर उसमें लाल क्या हुआ? और जिधर जाए माँ उधर जाए बच्चे।